तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो मैंने सोचा कि चलो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ। जैसे कि आजकल मणिकर्णिका मूवी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, बहुत से लोग इस मूवी को अच्छा रिव्यू दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं मूवी अच्छी नहीं है। तो मैंने अपनी फैमिली के साथ लास्ट वीक ये मूवी देखी थी। मुझे तो मूवी बहुत अच्छी लगी थी, मैं तो पहले से ही श्योर थी कि मूवी अच्छी होगी, बट मेरी फैमिली में कुछ लोग डाउटफुल थे। बट हमने पूरी फैमिली के साथ ये मूवी देखी और मूवी काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि आपको रिव्यू दे देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी। बहुत से लोग मैं जानती हूँ कि मूवी देख चुके हैं, बट जो लोग प्लान कर रहे हैं डाउट में है कि उन्हें मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, तो आपको मेरे रिव्यू से हेल्प मिलेगी और आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। तो मूवी का नाम है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका मूवी जो है वो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में है। मणिकर्णिका जो नाम है वो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम होता है। एंड मूवी स्टार्ट होती है कानपुर से। कानपुर के पास एक कस्बा है बिठूर, वहाँ से मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई अपना बचपन बिताती हैं। वहाँ से उन्होंने तलवार चलाना, घुड़सवारी वगैरह सीखा होता है। एक्चुअली आई एम फ्रॉम कानपुर, सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर टू सी बिठूर लोकेशंस, बट उन्होंने बहुत ही कम उसका बचपन दिखाया, बिकॉज वो तुरंत उन्होंने शादी का दिखा दिया। एंड रानी लक्ष्मीबाई इज़ फेमस एज अ यू नो झांसी की रानी, तो उनको झांसी के बारे में ज़्यादा दिखाना था। एंड वो लक्ष्मीबाई शादी के बाद उनको नाम दिया जाता है, शादी के पहले उनका नाम मणिकर्णिका होता है, एंड आफ्टर मैरिज वो झांसी में ही रहती हैं। एंड इसके बारे में ही मूवी दिखाई गई है कि वो झांसी की रानी बनने के बाद क्या क्या चैलेंजेस उसकी लाइफ में आते हैं, एंड वो कैसे एक फ्रीडम फाइटर बनती है, सिंगल हैंड उसने सब कुछ हैंडल किया होता है। तो ये मूवी के बारे में दिखाया गया है। मूवी में अच्छी भी चीज़ें ये हैं कि सेट्स मूवी के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, एंड ऑब्वियसली कंगना शी इज़ द क्वीन। एंड इसमें उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का कैरेक्टर प्ले किया है, तो पूरी मूवी उन्हीं के ऊपर फोकस है। एंड हर एक्टिंग इज़ फैंटास्टिक इन दिस मूवी। एंड कंगना ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, वो आप उस पूरी मूवी में देख सकोगे। एक्चुअली पूरी कास्ट एंड क्रू ने ही इस मूवी के लिए बहुत मेहनत की है, वो आप उस मूवी में देखोगे। हर एक सीन में आपको ऐसा लगेगा इसके पीछे काफ़ी मेहनत की गई है। एंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है मूवी का। एंड इसमें एक डांस नंबर भी है, वो अंकिता लोखंडे पे पिक्चराइज किया, शी इज़ अ फैंटेस्टिक डांसर, तो अच्छा है डांस नंबर भी। एंड सॉन्ग्स मुझे अच्छे लगे, बिकॉज देशभक्ति की मूवी है तो उसी के अकॉर्डिंग ही सॉन्ग्स भी उन्होंने रखे हैं। मुझे एक सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, भारतीय रहना चाहिए, ये थ्रू आउट पूरी मूवी में प्ले होता है। एंड मूवी ख़त्म होने के बाद भी मैं थोड़ा इसको गुनगुना रही थी, तो ये सॉन्ग ऐसा है जो आपको बाद में भी याद रहेगा। हाँ, एंड बाकी के करेक्टर्स ने भी अपना बहुत ही अच्छे से प्ले किया अपना रोल, एंड सबकी एक्टिंग इसमें बहुत ही अच्छी है। एंड पूरी मूवी में आपको रानी लक्ष्मीबाई ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मूवी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ही है ऑब्वियसली। एंड पूरी किसी के जन्म से लेके किसी के मरने तक का स्टोरी 2.5 घंटे में दिखाना, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बट ये उन लोगों ने किया है जिन्होंने ये मूवी बनाई है। आप उनका पूरा स्टोरी देख पाओगे, बचपन से कैसे पैदा होने से लेके मरने तक का। रानी लक्ष्मीबाई शी इज़ वेरी फेमस एज अ फ्रीडम फाइटर, कि वो हमारे आज़ादी की लड़ाई में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। हमने बुक्स में बहुत पढ़ा है, मैंने अपने स्कूल में पढ़ा है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। उनकी एक पोएम बहुत फेमस थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मैंने मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें थी उसको लेके, एंड मैं आई एम फ्रॉम कानपुर, तो मैंने और मैं झांसी भी जा चुकी हूँ, मैंने वो किला भी देखा है झांसी का जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई रहती थी शादी के बाद, तो मैं बहुत ज़्यादा मूवी से रिलेट कर पा रही थी। तो एंड बीइंग अ वूमेन, बीइंग अ लेडी, तो मेरा देखने का नज़रिया भी कुछ ऐसा था कि मैं मूवी से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रही थी। एंड ये मूवी तो मेरे ख्याल से आप सबको ही देखनी चाहिए, क्योंकि एक देशभक्ति की मूवी है, हमारे देश के बारे में, हमारे देश की आज़ादी के बारे में है। तो आजकल के बच्चे जिनको नहीं पता कि हमारा पास्ट कैसा था, कैसे हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो उनको ये मूवी आपको अपने बच्चों को तो ज़रूरी दिखानी चाहिए, क्योंकि बुक्स में उन लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। बुक्स में तो हमारे हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ाया जाता है, बट बुक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं बच्चे, बट मूवी है तो मूवी तो वो लोग बहुत ही इंटरेस्ट से देखेंगे, तो इससे उनको थोड़ा सा नॉलेज भी मिलेगी एंटरटेनमेंट के साथ साथ। तो हाँ, ये बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को अपने देश के बारे में बताने का।
तो मेरे ख्याल से ये मूवी तो आप सबको, और ये दिस इज़ अ वेरी यू नो वेरी फुल फैमिली मूवी, तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। मूवी में कोई भी ऐसा सीन नहीं है जिससे आपको फैमिली के साथ देखने में प्रॉब्लम होगी, तो आप पूरी फैमिली के साथ ये मूवी देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो, एंड आपको इससे नॉलेज भी मिलेगी मूवी में। एंड ये ऑब्वियसली एक वुमेन के लिए तो बहुत प्राउड वाली बात है, एक रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी जो दिखाई गई है, हम लोगों को पता तो था ही, बट अगर आप देखते हो तो आपके अंदर एक थोड़ा सा और आपके अंदर एक जागृत होती है एक वुमेन के लिए कि एक लड़की क्या क्या कर सकती है, मतलब शादी के बाद हाउ शी इज़ हैंडलिंग एवरी थिंग इन वन हैंड। उसके हस्बैंड की डेथ के बाद शी इज़ इमोशनली वीक, बट फिर भी उसने सिंगल हैंड सब कुछ हैंडल किया है, बींग अ मदर, बींग अ सिंगल लेडी, शी वॉज अ क्वीन ऑफ दैट रानी, बट उसने रानी का अपना पार्ट छोड़ के उसने एज अ फ्रीडम फाइटर अपने देश के लिए लड़ा, अपनी झांसी के लिए लड़ा। तो एक लड़कियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन है ये मूवी, एंड मेरे लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा मैं इमोशनल भी हो गई थी कुछ सीन्स में, बिकॉज बींग अ मदर, इसमें मदर का करेक्टर भी दिखाया कि मतलब एक मदर होने के बावजूद भी उसने कैसे सब कुछ हैंडल किया है, अपने बच्चे को वो पीठ पे लाद के लड़ने जाती थी। तो दिस सीन्स आर वेरी वेरी इमोशनल फॉर मी। तो मुझे मूवी ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। कंगना का ड्रेसिंग बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छे कॉस्ट्यूम्स उन लोगों ने सिलेक्ट किए हैं इस मूवी में, मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, एंड कंगना मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी इस मूवी में। ओवरऑल आप मूवी का इम्पैक्ट बहुत अच्छा था, मूवी आपको पूरे टाइम बांधे रखती थी। फर्स्ट हाफ मुझे थोड़ा सा बिट स्लो लगा था, बट ऐसा नहीं है कि मूवी बहुत ज़्यादा स्लो थी, सेकेंड हाफ तो कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। ओवरऑल अगर आप मूवी को देखेंगे तो मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी, आप जब थिएटर से निकलोगे तो आपको ऐसा फीलिंग आएगी, थोड़ा सा देशभक्ति की भी फीलिंग आएगी, एंड ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी थी। मेरी तरफ से तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपको तो ये मूवी देखनी चाहिए, एक आपको थोड़ा सा देशभक्ति की फीलिंग आपके अंदर फिर से जागृत हो जाएगी। तो इसलिए मूवी बहुत अच्छी थी, मूवी के पीछे लोगों की बहुत मेहनत है, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूँगी जिन्होंने भी ये मूवी बनाई है। एंड मूवी आप एंटरटेनमेंट के लिए होती है, तो आप एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर आपको कुछ नॉलेज मिली तो ये तो आपके लिए डबल बेनिफिट है, तो इसलिए आपको ये मूवी तो ज़रूर देखनी चाहिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मूवी को किस तरीके से देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते, बट मेरी तरफ से तो मैं यस कहूँगी कि आपको मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। सो ये था मेरा मणिकर्णिका मूवी के लिए रिव्यू। तो वीकेंड है, आप प्लान कर सकते हो मूवी।